सभी लोगों को मेरा नमस्कार, मैं प्रखर जोशी हूँ और मैंने अपने चैनल में कल आप सभी को कृष्णानंद फ्लूट ट्यूटोरियल 1 डाला था जो कि बड़ी बांसुरी में था और उसी का सेकंड पार्ट है जो कि छोटी बांसुरी में है। ये जो गाना है ये दोनों बांसुरियों में बज रहा है क्योंकि इसमें स्टार्टिंग में जो टुकड़ा बज रहा है वो लो पिच में है और दूसरा जो टुकड़ा बज रहा है जो पार्ट टू में आज आपको भेजने वाला हूँ ये हाई पिच में है। मैं आपको एक बार बजा के दिखा देता हूँ ये कैसे आएगा। ये स्टार्टिंग में बड़ी बांसुरी में जो ई बेस फ्लूट है इसमें ऐसे है छोटी बांसुरी में है और ये जो मैं अभी बजा रहा हूँ ये सभी बिगिनर्स के लिए है। अगर मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर आप इसको बजाते रहेंगे तो ये कैसा आने लगेगा कुछ टाइम तक, फिर आई बिगिनर्स के लिए। और अगर आप इसको कुछ टाइम तक बजाते रहेंगे तो ये कुछ ऐसा है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस जो मैं अभी बजा रहा है मैंने टुकड़ा इसके सुर है, तो इसके सुर है पसानी सानी रे नी सानी धपा मामा, जो धपा है वो तेज में है थोड़ा और बजेगा ऐसे। ऐसा आएगा इसके सुर है पसानी सानी रे नी सानी द प मा। उसके बाद जो दूसरा पार्ट है सब मा द प मरे मग ऐसे है। और अगर आप इसको कुछ टाइम तक बजाते रहेंगे तो ये मतलब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर आप ऐसा भी चाह रहे हैं तो आप ऐसा भी बजा सकते हैं, अगर आप बिगिनर नहीं हैं आप काफ़ी टाइम तक बजा रहे हैं तो आप फिर ऐसा भी बजा सकते हैं इसको। सभी मैंने बजाया ये भी आप बजा पाएंगे, ये बस यहाँ पे मैंने एक टुकड़ा लगा दिया छोटा सा और स्टार्टिंग में सानी धनी सानी धनी सारे गरी सानी रे नी ऐसे। मतलब वो जो मधा नी रे सा नी दपा मैं वो तेज ले रहा हूँ तो इसलिए अच्छा लग रहा है थोड़ा। धनी सारी सानी दपा मामा वो बस अगर आप कुछ टाइम तक इसको बजाते रहेंगे तो आप भी ऐसा, उसके लिए तो मैंने बताया आपको वैसे है। ये अलग है और जो अभी मैंने बताया जो आप अगर इसको कुछ टाइम तक बजाते रहेंगे तो ऐसे आने लगे। ऐसा ही लगेगा। तो मेरी वीडियो के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद और मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।